जी करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसवान और मैं हूँ उत्तराखंड चमोली के शोल डुंगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और मेरी आज की नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत शाम के 3:30 बजे से मैं कर रही हूँ और आज है सुनीता दीदी के घर में कीर्तन। नवरात्रि चल रही है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे हमेशा, आप हंसते मुस्कुराते रहे। तो सुनीता दीदी के घर में आज कीर्तन है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और बाकी ना मौसम आज बिल्कुल हो रखा है बारिश वाला क्या हो रखा है कि बारिश ही हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अब बारिश कितनी आती है ये तो बाद में पता चलेगा। तो अभी मैं तैयार होने के बाद सुनीता दीदी के घर में जाने के लिए आ गई हूँ अपने घर से। और तो यहाँ पे गाय भैंस भी अभी बाहर बंधे हुए हैं, तो मौसम तो अभी ठंडा ही हो रखा है इसलिए इनको बाहर बांध के रखा हुआ है। और बाकी मैं यहाँ शॉर्टकट से भाई जा रही हूँ ऊपर सुनीता दीदी के घर में। और यहाँ अभी भाई सुनीता दीदी और कमला भाभी इन लोगों के गाय भैंस सारे बाहर बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे सुनीता दीदी भैंस के मुंह पे खड़ी है भाई, क्योंकि ये भैंस ना मेरे को मारने के लिए आती है इसलिए सुनीता दीदी को बुलाया मैंने यहाँ पे। बाकी यहाँ घर के आगे चौक में यहाँ पे कीर्तन होगा, तो यहाँ पे सुनीता दीदी भी छा रही है अभी चटाई वगैरह, तो तैयारी हो रही है यहाँ पे। और बारिश भी हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है। तो भाई यहाँ पे चटाई बिछाने के बाद यहाँ पे हो रही है अब पूजा की तैयारी, कीर्तन भजन की तैयारी। और बच्चे भी आ चुके हैं और सबसे पहले तो बच्चे बैठ गए हैं, बड़े तो अभी आए नहीं है। तो बच्चे बैठ चुके हैं, पहले ही आसन विराजमान हो चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। हेलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कीर्तन पार्टी भी आ चुकी है, सारे लोग यहाँ पे चौक में बैठ गए हैं और कीर्तन भजन की तैयारी हो चुकी है। और अब हम करते हैं यहाँ पे कीर्तन शुरू। Thank you.
तो चलिए जी, यहाँ पे कीर्तन भजन के बाद आरती भी हो चुकी है और अब बटरी है यहाँ पे प्रसादी। तो बाकी यहाँ पे बनाई हुई है भाई सुनीता दीदी लोगों ने चाय के साथ पकौड़ियाँ। तो वैसे हमें लगा यहाँ पे बारिश होगी आज, क्योंकि मौसम ना बिल्कुल बारिश का हो रखा था, लेकिन बारिश नहीं हुई, बारिश भी टल गई है और सभी लोग यहाँ पे चाय पकौड़ियों का आनंद ले रहे हैं अभी। तो चलिए जी, यहाँ पे हो चुका है कीर्तन भजन का प्रोग्राम खत्म। तो जा चुके हैं सब लोग घर, अब हम भी जा रहे हैं। लास्ट बचे हुए हम फर्स्ट आते हैं और लास्ट जाते हैं, ये तो हमारा रिकॉर्ड है भाई। अभी मैं आ चुकी हूँ घर में और ये दीदी जी लोग ये यहाँ पे कपड़े लेके आए हैं शिंदारा से। तो ये आए थे कीर्तन भजन में और साथ में कपड़े लेके भी आए हैं। तो अब इनका नाप वाप लेने के बाद फिर जाएंगे ये घर को, और रात भी होने वाली है। मशीन ढकाई साहब,